okay, proceeding further, we come to question number 7. in this case, there are people who are playing cricket and tennis. c is the symbol for set of people who like to play, uh, play, play cricket, and t is the set of people who like to play tennis. now, given to you that in a group of 65 people, total 65 people, hai, means you have n, c, union, t, it is equal to 65. टोटल 65 है मतलब इनका यूनियन 65 आ जाएगा ओके 40 लाइक like क्रिकेट 40 लाइक क्रिकेट मींस एन ऑफ सी इज इक्वल टू 40 ओके okay. एंड 10 लाइक like बोथ 10 लाइक बोथ मींस सी इंटरसेक्शन टी दिस इज 10 क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड फर्दर हाउ मेनी लाइक टेनिस ऐसे कितने हैं जिनको टेनिस पसंद है और ऐसे कितने हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट पसंद नहीं है ओके सो एन सी यूनियन टी दिस इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी यूज दिस फार्मूला सी यूनियन टी इज सिक्सटी फाइव दिस इज इक्वल टू एन ऑफ सी इज फोर्टी प्लस एन ऑफ टी माइनस टेन दिस इज सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू 30 प्लस एन ऑफ टी ओके एंड दिस गिव्स यू एन ऑफ टी इज इक्वल टू 65 फाइव माइनस थर्टी एन ऑफ टी इज इक्वल टू 35. ये सेकेंड आंसर है फर्स्ट नहीं दैट इज 35 पीपल लाइक टेनिस देखिए क्वेश्चन दो है पहला क्वेश्चन था ऐसे कितने लोग हैं? जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट और सेकेंड क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस तो ये टेनिस वाले हैं जिनको टेनिस पसंद है मतलब इसमें वो भी लोग हैं जिनको टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद है ठीक है दो अलग बातें हैं मैं हूं मुझे टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है तो मैं यहां प्रेजेंट हूं ठीक है और फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है तो वो यहां पे तो है लेकिन वो कॉम्बिनेशन जहाँ पे ये आएगा इंटरसेक्शन आएगा वहाँ नहीं आएगा ओके okay? क्लियर तो फाइंड कैसे करना कि ऐसा कौन सा सेट है जिसे सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं वो आएगा ये टी माइनस सी डिफरेंस सेट इफ यू रिमेंबर डिफरेंस सेट में क्या होता है ऐसे एलिमेंट रहते हैं जो टी में प्रेजेंट है लेकिन सी में नहीं ओके okay? जो टी में प्रेजेंट है लेकिन सी में नहीं अब इसका फॉर्मूला एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी ओके एन ऑफ टी हमने फाइंड किया थर्टी फाइव और एन ऑफ टी इंटर सेक्शन सी रहा है टेन इट इज गिवन टू यू सो ट्वेंटी फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव पीपल लाइक ओनली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट ट्वेंटी फाइव ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं ये देखिए ये टोटल सिक्सटी फाइव पीपल है टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले टोटल सिक्सटी फाइव इन दोनों सर्कल्स में मिलाकर टोटल सिक्सटी फाइव है सी इंटरसेक्शन टी में टेन है मतलब यहां पे दस है ठीक है ये इंटरसेक्शन है कभी भी एंट्री पहले इंटरसेक्शन में होती है यहां दस आएगा ओके यहां पे आएगा हाउ मच फोर्टी तो देखो यहाँ जो 40 है 40 है जिनको क्रिकेट पसंद है उसमें से 10 यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है थीके? तो यहाँ आएगा 30 अब देखिए क्रिकेट में टोटल 40 है 40 ऐसे पीपल है जिनको क्रिकेट पसंद है ओके तो 30 प्लस टेन क्योंकि सी का सर्कल ये है तो 30 प्लस टेन कितना हो गया 40 40 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है इसमें से दस ऐसे हैं जिनको क्रिकेट के साथ टेनिस भी पसंद है वो दस ये हैं ये दोनों सर्कल मिला के सिक्सटी है तो ये देखिए दस और 30, 40, 65 में रिमेनिंग है 25. फाइव यू दिस अब देखिए ये सब मिला के सिक्सटी हो गए ठीक है अब ये 25 और ये 10. ये दोनों मिला के ऐसे लोग जिनको टेनिस पसंद है जिनको टेनिस पसंद है थर्टी और इसमें ये 25 वो लोग जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं ओके इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट ओके ना प्रोसेडिंग वी कम टू एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन में दिया है कुछ लोग हैं जिनको फ्रेंच और स्पेनिश आता है फ्रेंच के लिए हमने एफ असाइन किया हुआ है और स्पेनिश के लिए एस अब दिया क्या है इन अ कमेटी ऑफ 50 पीपल टोटल 50 लोग हैं मतलब एफ यूनियन एस ओके इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल सॉरी इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच सॉरी टोटल 50 नहीं है 50 ऐसे हैं जिनको फ्रेंच आती है 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ अब देखिए इसमें तो और सिंपल है अब आप इसे वेन डायग्राम से ही देखिए आपको दिया क्या क्या है ओके okay. आपको दिया है एन एफ फ्रेंच स्पीक करने वाले 50 हैं ठीक है उसके बाद स्पेनिश स्पीक करने वाले 20 है और टेन है बोथ के लिए एन एफ इंटरसेक्शन एस ये है टेन दस ऐसे लोग हैं जिनको दोनों आते हैं ठीक है फ्रेंच भी आता है और स्पेनिश भी आता है ठीक है तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पे आएगी टेन ये स्पेनिश है ये फ्रेंच है सबसे पहले एंट्री यहाँ पे आएगी टेन स्पेनिश स्पीक का ना ट्वेंटी है ट्वेंटी में से टेन यहाँ पे आ चुके हैं बाकी रह गए टेन ओके वैसे ही फ्रेंच स्पीक का ना फिफ्टी है फिफ्टी में से टेन यहाँ पे आ चुके हैं बाकी रह गए 40 ओके क्लियर ये इसका वेन डायग्राम हो गया अब क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्पीक